मैं ब्रिगेडियर संजोग नेगी, डिप्टी जीओसी एंड स्टेशन कमांडर देहरादून कैंट, जीओसी उत्तराखंड सब एरिया, मेजर जनरल प्रेम राज, आर प्रेम राज, सेना मेडल, तुसी सेवा मेडल और उत्तराखंड सब एरिया के तमाम रैंक की तरफ से आज मकर संक्रांति के शुभ दिन पर पूरे उत्तराखंड और यहाँ यदि ये संख्या लाए हैं तो हम केवल अपने सम्मान के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे सम्मान के साथ जो हमारा जो झूठा मुकदमा होता उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जो नए जोशी साहब आर के हैं, हमारे जो नए डिप्टी जोशी साहब आर के हैं, इस पे जो है वो जल्दी से जल्दी निर्णय करें, नहीं तो इसका बहुत बुरा दौरा सुनाने में पड़ेगा। क्योंकि हमारे पर झूठा मुकदमा लगाया गया था, क्या आप क्या बोलना चाहते हैं? चलो गलत खाने होल्ड ऑन बॉक्स, हमें चलो नहीं की अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि और आप हम सिस्टम ये हम रिटर्न में दे रहे हैं, आप दीजिए बिल्कुल सब प्लीज रिटर्न में एक सेकंड अगले 15 दिन का हम सब मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है सर हमारे कोलकाता दुखी और सम्मान के लिए दुख है क्योंकि गलत झूठा मुकदमा है, इससे दुखी है। मैंने यही बात करी हमारे साथ मुकदमा और उस सब एरिया सीएचडी कैंटीन गड़ी कैंट में राज्य सैनिक परिषद परिषद उत्तराखंड के सदस्य सुबेदार मेजर मनवर सिंह राठौर रिटायर्ड व अन्य गौरव सेनानी 22 अप्रैल 2023 को कैंटीन सामान लेने गए थे, जहां पर अफसर के कैंटीन में सामान व लिकर उपलब्ध था किंतु जवान जेसोस के कैंटीन में सामान उपलब्ध नहीं था। जय हिंद साथियों, मौका था 14 जनवरी 2024 का यानी 8वें आर्म्ड फोर्सेज वेटरन डे का, और उत्तराखंड सब एरिया की ओर से उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को भी वेटरन डे के ऊपर सम्मानित करने के लिए बुलाया। लेकिन इस प्रोग्राम में आने से पहले ही उत्तराखंड के गौरव सेनानियों ने ये सोच लिया था कि जो उत्तराखंड सब एरिया सीएचडी कैंटीन में हंगामे के बाद 50 पूर्व सैनिकों के ऊपर जो FIR करवाई गई थी उस मुद्दे को वहां पे उठाना है। इसलिए सैनिकों ने जैसे ही डिप्टी जीओसी ने संबोधन करना शुरू किया उसी समय कहा कि हम यहां पे बात खाने के लिए नहीं आए, आप पूर्व सैनिकों का अपमान कर रहे हो जबकि पूर्व सैनिक सम्मान चाहते हैं आप लोगों ने, और उत्तराखंड सब एरिया कैंटीन के मैनेजर ने मिलके 50 पूर्व सैनिकों के ऊपर FIR कर रखी है और उसको लेकर लगातार पूर्व सैनिक FIR वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप पूर्व सैनिकों के ऊपर FIR करते हैं और दूसरी तरफ आप वेटरन डे के ऊपर उनको सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलेगी। हम यहाँ पे कोई बात खाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आप हमें आश्वासित करो कि 15 दिन के अंदर आप कार्रवाई करते हुए सभी पूर्व सैनिकों के ऊपर जो FIR करवाई गई है उसको वापस लोगे, और जो नए GOC साहब आए हैं वो ये हमें बताएं कि पूर्व सैनिकों की जो FIR है वो हम वापस लेने की कार्रवाई करेंगे। इसी बात पर पूर्व सैनिक अड़ गए तो वहाँ पे जो सैन्य अधिकारी आए हुए थे उन्होंने कहा आप बैठिए, हमारी बात सुनिए, हम चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं और आप लोगों की बात को सुनेंगे, लेकिन पूर्व सैनिक सुनने को तैयार नहीं थे। आप सभी को पता है कि अप्रैल मई 2023 में उत्तराखंड सब एरिया कैंटीन में भेदभाव की एक घटना हुई थी, जहां JCOR के काउंटर खाली थे तो वहीं अधिकारियों के काउंटरों में खचाखच माल भरा हुआ था, जिसके बाद पूर्व सैनिकों के खिलाफ सेना ने सख्त एक्शन लिया था और CHD कैंटीन का जो मामला था
उसमें सभी प्रदर्शन करने वाले लगभग 50 पूर्व सैनिकों के ऊपर FIR दर्ज करवा दी। उत्तराखंड सब एरिया की एक घटना थी जिसमें कैंटीन में प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और केस में 2 नामजद समेत 50 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उन पर जबरन कैंटीन में घुसकर तालाबंदी कर प्रदर्शन करने का आरोप लगाया था। इंस्पेक्टर कैंट नंदकिशोर भट्ट ने बताया कि सब एरिया कैंटीन इंचार्ज कर्नल विजय दत्ता ने यह FIR दर्ज करवाई थी। इसमें आरोप लगाया कि 23 अप्रैल को गौरव सेनानी एसोसिएशन के सूबेदार मेजर मनवर सिंह रोथाण और नायक महावीर सिंह राणा पूर्व सैनिकों के संग सबेरिया कैंटीन में पहुंचे। उन्होंने कैंटीन में तालाबंदी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 4 घंटे तक कई लोग कैंटीन में बंधक बने रहे। इसके साथ ही आरोप लगाया कि जवानों के कैंटीन काउंटर पर लिकर समेत अन्य सामान रखने में अनियमितता की जा रही है। यह आरोप पूर्व सैनिकों ने लगाया। उस समय मौके पर सुबह 10 बजे से करीब 4 घंटे तक लगातार प्रदर्शन रहा। इसे लेकर हाल में सब एरिया इंचार्ज की ओर से तहरीर दी गई है और उस तहरीर में आरोप लगाया कि पूर्व सैनिकों ने जबरन घुसते हुए लोगों को बंधक बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां मौजूद कैंटीन कर्मचारियों और सामान लेकर जाने की कोशिश कर रहे लोगों से अभद्रता की गई। यह आरोप लगाया कैंटीन के कर्नल साहब ने। पूर्व सैनिकों पर प्रदर्शन के दौरान गाली गलौज करने का भी आरोप FIR में लगाया है। आगे कहा कि लोग सामान खरीदने पहुंचे तो वे भी परेशान हुए। FIR में आरोप है कि बंधक बनाए गए लोगों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी जिसका वहां से अस्पताल जाने पर गर्भपात हो गया। इंस्पेक्टर नंदकिशोर भट्ट ने आगे बताया कि मामले में मनवर सिंह रोथाण और महावीर सिंह राणा को नामजद करते हुए 50 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। पुलिस इन 50 पूर्व सैनिकों पर दर्ज मुकदमे में धारा 447, 342, 504 और 143 लगाई गई थी। CSD परिसर में 23 अप्रैल को एक्स सर्विसमैन द्वारा रखी गई शिकायतों को उच्च स्तर पर देखा जा रहा है और अभी तक उनको देखा ही जा रहा है, उनके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। घटना की निर्धारित मापदंडों के अनुसार जांच अभी भी जारी है। घटना पर जो केस दर्ज हुआ है वे सेना की मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार है। सेना पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सेना मामले के जल्द से जल्द समाधान पर काम कर रही है, ऐसा कहना है मनीष श्रीवास्तव PRO सेना देहरादून की ओर से। सेना पूर्व सैनिकों के प्रति प्रतिबद्ध है और 14 जनवरी को वेटरन डे के ऊपर इसी के लिए बुलाया गया, लेकिन इससे पहले पूर्व सैनिकों की जो शिकायतें हैं उनके ऊपर भी गौर करने की आवश्यकता थी। मई 2023 से लेकर लगभग 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये FIR अभी तक जारी है और इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी पूरी घटना साथियों कि 23 अप्रैल को जो उत्तराखंड सब एरिया कैंटीन में घटना हुई थी उस मुद्दे को वापस वेटरन डे के ऊपर उठाया गया। आप अपनी राय जरूर रखना कि क्या यह सही मौका था कि इस दिन पूर्व सैनिकों को अपनी समस्याओं को GOC और डिप्टी GOC के सामने रखना जरूरी था या फिर कोई दूसरा दिन चुन सकते थे। साथियों, फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।